नमस्ते, मैं सचिना ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपको जो फायर इंश्योरेंस है इसके बारे में और क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास दुकान है, ऑफिस है या घर है तो सर फायर इंश्योरेंस कंपलसरी है। फायर इंश्योरेंस के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। कॉल इमीडिएटली नॉर्थ इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, और मैं हूँ आशीष चौधरी। अवैध तरीके से हथियार रखने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवी मुंबई की कोपर कैरानी पुलिस ने एक ऐसी आरोपी को गिरफ्तार किया है जो गैरकानूनी तरीके से अवैध हथियार बेचता था। पुलिस ने उसके पास से 3 देशी पिस्तौल बरामद किए हैं। आरोपी की उम्र करीब 25 साल है। वो बेरोजगार है। नवी मुंबई जोन 1 के पुलिस आयुक्त विवेक पानसरे ने बताया कि कोपर खैरानी पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक धुमाल को गुप्तचर से पता चला। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप तिदार ने 3 टीमों का गठन किया। जी हाँ, आगे देखिए। अब उस युवक ने कबूली तो कर ली कि उसको हथियार मिले हैं। जी हाँ, उसको हथियार मिले कोपर खैरानी बस डिपो माथाड़ी हॉस्पिटल के पास से। अब आगे क्या होता है सुनिए। हमारे ऊपर कैमरे पुलिस स्टेशन के PSI धुमाल, इनको एक गुप्त बातमीदार की ओर से एक बातें मिली थी, एक खबर मिली थी कि एक ईसा में एक गावटी कट्टा लेके आने वाला है। वो खबर मिलने के बाद हमारे सीनियर मेयर श्री तिदार और ACP श्री केड़े, इन्होंने 2-3 बॉम्ब करके वो बातमीदार के तहत हम लोगों ने सामना किया, ट्रैप आयोजित किया और एक ट्रैप में NMT बस स्टैंड के बाजू में ये आरोपी हमको मिला के पास से एक गाठी पिस्तौल बरामद किया है। उसके बाद उसकी कस्टडी लेने के बाद तपास करते हुए और 2 गाठी पिस्तौल हम लोगों ने बरामद किए हैं और एक पल्सर गाड़ी वो भी उसके पास से बरामद की है। और उसका तपास करते हुए ये भी सामने आया है कि इसके पहले भी ये आरोपी ने 3 गुने किया है। 1307 का गुना उसके ऊपर दाखिल है, 326 का है और 2018 में एक देसी कट्टे के साथ तो उसके ऊपर एक 325 के तहत शस्त्र अधिनियम 325 के साथ भी बनाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज।